मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नाहिद लारी खान मुजफ्फरनगर की उन्होंने याद दिला दी। वो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर याद है ना, वहां पर तो हालात संभले ही नहीं थे। किस तरीके से लगातार सुलगता रहा था मुजफ्फरनगर और कितने लोगों की जान गई थी, लेकिन यहां बहराइच 24 घंटे के भीतर भीतर हालात संभाल लिए गए हैं। नाहिद लारी खान, देखिए रुमाना जी, भाजपा के प्रवक्ता के घटिया बातों के मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन जो आप जनहित की बातें कर रहे, जनहित के मुद्दा आपने उठाए और सही सवाल आपने किया, लेकिन उसका कोई जवाब, उचित जवाब भाजपा के प्रवक्ता ने दे दिया। जो कल घटना हुई वो दुखद है, लेकिन जिस प्रकार से आज सड़कों पर लाठी डंडा तलवार बंदूक लिए हाथ में उपद्रवी लहराते रहे और चलते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही, आगजनी करा, हिंसा करा, आपका चैनल खुद कह रहा, आपका सवाल खुद है, आपका चैनल खुद कह रहा है कि उपद्रवी बेकाबू है, आप खुद बता रही उपद्रवी बेकाबू, आपका चैनल खुद बता रहा है कि हिंसा पर कंट्रोल नहीं, काबू नहीं पाया जा रहा है। स्पष्ट है कि सरकार उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, स्पष्ट है कि सरकार पंगू है, यहाँ सरकार का एक बार पूर्णता खत्म हो चुका। आप पूछ रहे कि इसके पीछे कौन है, आपका चैनल का सवाल है कि सबके पीछे कौन है। स्पष्ट है कि जो घटना हुई है वो चीख चीख कर वो घटना बता रही है कि सरकार की विफलता इसके पीछे है, स्पष्ट है कि सरकार की विफलता इसके पीछे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था कि स्थिति भयावह झकझोरने वाली, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ये जंगल राज नहीं है। झूठ बोल रही सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है। बताइए कोर्ट करिए सुप्रीम कोर्ट को, नहीं झूठ नहीं बोलेंगे आप, नहीं कोई झूठ नहीं बोल रहे। बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं जी बताइए कब बोला जंगल राज है, कोर्ट करिए देख। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठी हुई हैं, है ना, देश के सबसे बड़े सियासी सूबे और देश की सर्वोच्च अदालत को लेकर जब आप ये बात कहती हैं, तो आप बताइए ना कब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, किस मामले को लेकर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आप बता दीजिए, आप उन्हें जवाब दीजिए। मैं बता रही हूँ हाथरस की जो घटना हुई थी जिसमें दलित युवती के साथ जिस प्रकार से जघन्य अपराध किया था, उसकी उसकी बॉडी को जला दिया था, और कोई और सत्ता में बैठे लोग जो है जो रेपिस्ट उनको बचा रहे थे, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्थिति भयावह झकझोरने वाली उत्तर प्रदेश में जंगल राज। एक सेकंड और दीजिए रुमाना जी, जल्दी। ये वही बहराइच है जो पूरे विश्व में जिसको लेकर दहल गए लोग। अभी बहराइच में दो एक दिन पहले जो आतंकी है शिवा धर्मराज, उन्होंने मुंबई में जाकर बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या करी, इसी बहराइच में जो है। ठीक है, मैं इस पर आगे जानकारी लूंगी, जवाब लूंगी प्रदीप भंडारी से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।